वर्ष 2041 हजार इकतालीस अजन्मे की स्मृति कमरे में एक डरावना सन्नाटा था ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है कमरे की खाली दीवारों के बीच की जगह उनकी सांसों की आवाज से भर गई थी इससे पहले कि श्रीमती बत्रा पृथ्वी से पूछती कि उन्हें क्या परेशान कर रहा है उन्होंने पलटकर मजबूत आवाज में कहा मैंने 2020 में खुद यह सब देखा है और इसलिए मुझे पता है कि उनके जैसा पहले कोई नहीं हुआ है और न ही कभी होगा वह दिव्य सत्य है मृत्यु और विनाश के देवताओं के लिए एक अपराजित चुनौती है यह कैसे हो सकता है आप कह रहे हैं कि आपने पैदा होने से पहले से ही चीजों को देखा है वह असंभव है उत्तेजित चौहत्तर वर्षीय श्रीमती बत्रा ने कहा वह हैरान थी कि एक लड़का जो 2041 में लगभग 20 साल का था वह 2020 से चीजों को कैसे देख सकता था तुम ठीक कह रहे हो मैं तब पैदा नहीं हुआ था फिर भी मैं रॉस द्वीप पर उस सुविधा में एक से अधिक तरीकों से मौजूद था मुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से याद है जैसे कि मैं अभी भी वहां हूँ अपनी आंखों के सामने यह सब होते हुए देख रहा हूँ पृथ्वी ने जवाब दिया पृथ्वी की ओर देखते हुए श्रीमती बत्रा ने फिर से कहा मैंने पिछले कुछ वर्षों में कई अविश्वसनीय घटनाओं और रहस्यमय चीजों को देखा है ऐसी चीजें जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है इसलिए मैं यह मानने के लिए मजबूर हूं कि ऐसे सत्य और रहस्य हैं जिन्हें मेरे जैसा औसत मानव मन संसाधित नहीं कर सकता है अपने गालों से आंसू बहाते हुए उसने जारी रखा मैं एक सामान्य जीवन जीना चाहती थी और चुपचाप मर जाना चाहती थी हर औसत व्यक्ति की तरह मुझे 2020 में लगभग एक संतोषजनक मौत मिली तब चीजें अच्छी थी काश मैं तब शांति से मर गया होता लेकिन सब कुछ बदल गया श्रीमती बत्रा ने एक गहरी सांस ली और खुद को रोकने की कोशिश की पृथ्वी चुपचाप वहीं खड़ा रहा और उसे समय दे रहा था एक लंबे ठहराव के बाद उन्होंने कहा न तो मैं तब इसका हिस्सा बनना चाहती थी और न ही अब मैं इनमें से किसी का हिस्सा बनना चाहती हूं तुम यहां क्यों हो क्योंकि मैं अभी भी उसे खोज रहा हूं और तुम उसे देखने वाले अंतिम व्यक्ति हो पृथ्वी ने आशा भरी नजरों से जवाब दिया श्रीमती बत्रा ने पृथ्वी की आंखों में देखा और कहा मैंने उस दुर्भाग्यपूर्ण मिशन में सब कुछ खो दिया और फिर भी मुझे नहीं पता कि कैसे या क्यों हां मैंने उसे देखा है लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि वह कौन था आप द्वीप पर थे आपने कहा मुझे बताओ कि 2020 में उस द्वीप पर क्या हुआ था आपने कहा कि आप उसे खोज रहे हैं वह भी उस समय द्वीप पर ही था आपको पता होना चाहिए कि वह कौन था आप उसके बारे में क्या जानते हैं मुझे सब कुछ बताओ श्रीमती बत्रा ने जोर देकर कहा पृथ्वी ने कुछ देर के लिए श्रीमती बत्रा को देखा और फिर अंत में पूछा अगर मैं आपके सवालों का जवाब दूं तो क्या आप मुझे वह सब कुछ बताएंगी जो आप जानते हैं मैं वादा करता हूं मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगा मुझे बताओ कि 2020 में क्या हुआ था इसने मेरी मौत को बदल दिया मैं मरना नहीं चाहता कि यह सब मेरे साथ क्यों हुआ और मुझे क्यों चुना गया अब पृथ्वी श्रीमती बत्रा की पुरानी आशावादी आंखों में देख रहा था और पीछे मुड़कर देख रहा था उसने एक गहरी सांस ली और सुनाना शुरू कर दिया ओशन ऑफ डॉट कॉम एल अध्याय एक अज्ञात यात्रा यह गर्मियों के दौरान उन दुर्लभ दिनों में से एक था जब सूरज अपने सबसे चमकीले समय में नहीं चमकता था नीला आसमान और सुबह सुबह की हवा ताजगी दे रही थी हेलीकॉप्टर की आवाज आसपास के सन्नाटे को तोड़ने के लिए काफी थी इस चित्र में उत्तम परिदृश्य में हेलीकॉप्टर में एक आदमी पड़ा हुआ है बेहोश और बेखबर चार बंदूकधारियों ने उस पर अपनी नजरें गड़ा दी थी मानो वे अनंत काल से उस व्यक्ति की आंखें खुलने का इंतजार कर रहे हों। आदमी का चेहरा सफेद रंग से रंगा गया था और उसकी दाढ़ी और मूछे आसमान रूप से बड़ी हुई थी उनके लंबे काले और फटे बालों ने उनके रहस्यमय रूप में चार चांद लगा दिए चालीस वर्ष की आयु में वह काफी युवा दिखाई दिया उनका चेहरा अलौकिक रूप से उकेरा गया था उनकी त्वचा इतनी स्पष्ट और चमकदार थी कि इसने उनके चारों ओर सुंदरता की आभा का निर्माण किया था उनके शरीर ने हेलीकॉप्टर के जोर की आवाज में गति के संकेत दिखाए और कई बार जब वह हिलता था तो उसका शरीर हवा में राख बहा देता था उसकी बेहोशी ने उसके आसपास के लोगों को यह सोचने से नहीं रोका कि वह कौन था इस आदमी ने उसे देखने वाले हर किसी में जिज्ञासा और विस्मय पैदा किया पायलट ने घोषणा की ग्यारह दशमलव छह सात डिग्री उत्तर बानवे दशमलव सात छह दो छह डिग्री पूर्व रॉस द्वीप पर तीन मिनट में लैंडिंग रॉस द्वीप पोर्ट से लगभग दो किलोमीटर पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूमि का सबसे सौंदर्यपूर्ण टुकड़ा था ब्लेयर इसने दुर्लभ लेकिन महत्वपूर्ण प्रजातियों की विरासत के साथ प्रकृति के बेहतरीन उपहारों की शांति को लेने के लिए प्रेरित किया द्वीप की शोभा एक गुंबद के आकार की उच्च तकनीक सुविधा थी विशुद्ध रूप से अलग थलग पड़ी भूमि पर शोध के उद्देश्य से बनाई गई यह भव्य संरचना बड़े बड़े संचयवादियों को भी चकित कर सकती है नवीनतम प्रौद्योगिकी से सुसज्जित इस सुविधा में अत्याधुनिक तटीय और समुद्री निगरानी प्रणालियां हैं। केवल कांच का उपयोग करके निर्मित इस सुविधा ने सतह प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग किया स्पर्श की गई प्रत्येक स्क्रीन ने उनसे ऐसे बात करना शुरू कर दिया जैसे कि वह किसी उन्नत प्रजाति का हिस्सा हो जिससे उनके चारों ओर का तापमान और वायुमंडलीय दबाव बदल जाता है जिससे जीवन आसान हो जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती उतना ही शानदार जब सुरक्षा की बात आती है तो यह और भी अधिक हो जाता है धनुषाकार छत के प्रत्येक कोने में मोशन सेंसर कैमरे लगाए गए थे गुम्बद के अंदर कोई अकेला नहीं था लोग जहां भी जाते थे उनके साथ एक डिजिटल आंख भी होती थी वीरभद्र एक स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त पूर्व भारतीय सेना ब्रिगेडियर अपना स्टेशन छोड़ दिया और सीधे गुंबद की लॉबी की ओर चल दिया जैसे ही उसने प्रवेश किया उसने बंदी को चार सशस्त्र गार्डों से घिरा हुआ देखा वे उसकी हथकड़ी लगी हुई थी और आंखों पर पट्टी बांधकर उसके शरीर को गलियारे में घसीट रही थी उसके नंगे पैर फर्श पर राख के निशान छोड़ते रहे वीरभद्र ने सोचा कि वह द मैन है बंदी ने न्यूनतम कपड़े पहने हुए थे केवल एक छोटा और संकीर्ण कपड़ा उसके पेट के निचले हिस्से को कवर करता था उनके शरीर को राख से लपेटा गया था रुद्राक्ष के बीजों से बनी माला उसके गले में लटकी हुई थी उसके मटके हुए बालों का आधा भाग एक शीर्षगांठ में लपेटकर लोहे के जंग लगे त्रिशूल से सजाया गया था वीरभद्र इस स्थान पर सुरक्षा प्रमुख के रूप में बंदूकधारियों और गार्डों सहित 21 लोगों की एक टीम के साथ आए थे वह वहां एक मिशन पर था अपने पंथ के सबसे अच्छे लोगों में से सबसे अच्छे होने के नाते उन्हें दुनिया भर के विभिन्न संगठनों द्वारा विभिन्न अभियानों के लिए बुलाया गया गोपनीय या सार्वजनिक लेकिन यह दूसरों से अलग था वीरभद्र छह फीट लंबा था वह चालीस वर्ष की सामान्य जीवन प्रत्याशा से काफी पहले जी चुके थे इसका एक बड़ा हिस्सा सेना को समर्पित था उनका चेहरा एक औसत आदमी का था विशेष रूप से अच्छी तरह से चित्रित नहीं किया गया था उनकी सांवली त्वचा के साथ नमक और काली मिर्च के सैन्य बाल कटवाने से उनका रूखा रूप और भी बढ़ गया उनके दोनों हाथों पर कुछ चोट और निशान जो बहुत पुराने नहीं थे उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों और उनकी तीव्रता की ओर इशारा करते थे काली जीन्स सफेद टी शर्ट और भूरे रंग की चमड़े की जैकेट के नीचे उनका कठोर मांसल शरीर स्पष्ट था उसकी आंखें काले एविएटर की चमक से ढकी हुई थी उन्हें हमेशा अपनी पिस्तौल के बारे में पता रहता था जो जैकेट के अंदर अपनी कमर में छिपी रहती थी चाहे स्थिति कैसी भी हो उसने एक गार्ड को उस आदमी को नकाब उतारने और उसके हाथ छुड़ाने का आदेश दिया उसने अपनी चकाचौंध उतार दी उसकी दाहिनी आंख के समानांतर एक निशान अब दिखाई दे रहा था और उसकी काली आंखें उसके सामने वाले व्यक्ति पर टिकी हुई थी वीरभद्र एक क्षण के लिए चकित रह गया वीरभद्र और उसके बॉस इस आदमी का इंतजार कर रहे थे हालांकि उन्हें ठीक से पता नहीं था कि क्यों उसे बस इतना पता था कि जिस आदमी की वे तलाश कर रहे थे वह मिल गया है और उससे पूछताछ की जानी है किस बारे में पूछताछ की गई वह नहीं जानता था लेकिन उसे यकीन था कि यह कुछ गंभीर था उसकी अधीरता अपने चरम पर थी वह पूरी कहानी जानना चाहता था वह अंतरतम घेरे में खड़े होने का हकदार था यदि नहीं तो उन्हें तलब ही क्यों किया गया? उन्होंने सबसे शक्तिशाली पुरुषों के साथ काम किया था और उनके तरीकों को अच्छी तरह से जानते थे हालांकि उनका नया आलाकमान अजीब था वह हर चीज के बारे में चिंतित था लेकिन फिर भी इसे एक बड़ा रहस्य रखने में कामयाब रहा वीरभद्र लॉबी में एक चिरपरिचित आवाज में जब उसका नाम गूंजा तो वह लगभग उछल पड़ा उनके बॉस डॉ श्रीनिवासन थे हाँ सर उसने जवाब दिया वीरभद्र ने जिस व्यक्ति को उत्तर दिया वह चार फुट आठ इंच लंबा था और उसकी आयु लगभग पैंसठ वर्ष थी उसके होंट गहरे भूरे रंग के थे जिससे पता चला कि वह लंबे समय से धूम्रपान करने वाला था उनके सफेद बालों ने उनकी खोपड़ी के केवल एक हिस्से को कवर किया एक अन्य पहलू जो उनकी उम्र का खुलासा करता था वह था उनका डावदार रूप। डॉक्टर श्रीनिवासन ने भूरे रंग का मैट सूट पहना हुआ था और उसके नीचे सफेद शर्ट थी उसके कॉलर से एक चौड़ी लाल पट्टी लटकी हुई थी उन्होंने अपनी आंखों के ऊपर अप्रचलित काले चौकोर फ्रेम वाले चश्मे भी पहन रखे थे जिसमें एक स्ट्रिंग थी जो दोनों किनारों से नीचे लटकी हुई थी और उनके गले के चारों ओर घूम रही थी दो। श्रीनिवासन का रूप हास्यप्रद था लेकिन उनकी आंखें अनुशासन से भरी हुई थी उनका आचरण शीर्ष अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित कर सकता था वह डिफॉल्ट रूप से एक मालिक था वह अपनी उपस्थिति में सभी को अधीनस्थ होने का एहसास दिला सकता था वह केवल तब तक मजाकिया था जब तक वह चुप था यह आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह एक बकवास आदमी नहीं था और अपने काम के प्रति अत्यधिक समर्पित था दो श्रीनिवासन के बाद एक और व्यक्ति दा बत्रा उन्होंने डॉक्टर बत्रा को वीरभद्र से मिलवाया और इसके विपरीत उन्होंने हाथ मिलाया डॉक्टर बत्रा डॉक्टर श्रीनिवासन के सहयोगी थे या ऐसा वीरभद्र को भी लगता था वीरभद्र ने उन्हें हंसमुख व्यक्ति नहीं माना वह एक क्रोधी रूप धारण किए हुए था और क्रोधित लग रहा था वह डॉ श्रीनिवासन से भी अधिक शिक्षित दिखते थे उनकी आंखें एक बुद्धिजीवी की तरह थी डॉक्टर बत्रा एक लंबे कद के गोरे व्यक्ति थे जिनकी आयु लगभग पचास वर्ष थी और वे सिख समुदाय से थे उसकी भूरी आंखें और गोलमटोल चेहरा था उन्होंने एक औपचारिक मैरून शर्ट और काली पतलून पहनी थी जो उनके काले चमड़े के जूते के साथ अच्छी तरह से मेल खाती थी उसके शरीर की अधिकांश चर्बी उसके पेट के चारों ओर जमा हो गई थी वीरभद्र लॉबी में एक चिरपरिचित आवाज में जब उसका नाम गूंजा तो वह लगभग उछल पड़ा उनके बॉस डॉ श्रीनिवासन थे हां सर उसने जवाब दिया वीरभद्र ने जिस व्यक्ति को उत्तर दिया वह चार फुट आठ इंच लंबा था और उसकी आयु लगभग पैंसठ वर्ष थी उसके होंट गहरे भूरे रंग के थे जिससे पता चला कि वह लंबे समय से धूम्रपान करने वाला था उनके सफेद बालों ने उनकी खोपड़ी के केवल एक हिस्से को कवर किया एक अन्य पहलू जो उनकी उम्र का खुलासा करता था वह था उनका डावदार रूप। डॉक्टर श्रीनिवासन ने भूरे रंग का मैट सूट पहना हुआ था और उसके नीचे सफेद शर्ट थी उसके कॉलर से एक चौड़ी लाल पट्टी लटकी हुई थी उन्होंने अपनी आंखों के ऊपर अप्रचलित काले चौकोर फ्रेम वाले चश्मे भी पहन रखे थे जिसमें एक स्ट्रिंग थी जो दोनों किनारों से नीचे लटकी हुई थी और उनके गले के चारों ओर घूम रही थी डॉ श्रीनिवासन का रूप हास्यप्रद था लेकिन उनकी आंखें अनुशासन से भरी हुई थी उनका आचरण शीर्ष अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित कर सकता था वह डिफॉल्ट रूप से एक मालिक था वह अपनी उपस्थिति में सभी को अधीनस्थ होने का एहसास दिला सकता था वह केवल तब तक मजाकिया था जब तक वह चुप था यह आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह एक बकवास आदमी नहीं था और अपने काम के प्रति अत्यधिक समर्पित था श्रीनिवासन के बाद एक और व्यक्ति दा बत्रा उन्होंने डॉक्टर बत्रा को वीरभद्र से मिलवाया और इसके विपरीत उन्होंने हाथ मिलाया डॉक्टर बत्रा डॉक्टर श्रीनिवासन के सहयोगी थे या ऐसा वीरभद्र को भी लगता था वीरभद्र ने उन्हें हंसमुख व्यक्ति नहीं माना वह एक क्रोधी रूप धारण किए हुए था और क्रोधित लग रहा था वह डॉ श्रीनिवासन से भी अधिक शिक्षित दिखते थे उनकी आंखें एक बुद्धिजीवी की तरह थी डॉक्टर बत्रा एक लंबे कत के गोरे व्यक्ति थे जिनकी आयु लगभग पचास वर्ष थी और वे सिख समुदाय से थे उसकी भूरी आंखें और गोलमटोल चेहरा था उन्होंने एक औपचारिक मैरून शर्ट और काली पतलून पहनी थी जो उनके काले चमड़े के जूते के साथ अच्छी तरह से मेल खाती थी उसके शरीर की अधिकांश चर्बी उसके पेट के चारों ओर जमा हो गई थी उनकी दाढ़ी और मूछे स्टाइलिश तरीके से ट्रिम की गई थी उन्होंने अपनी दाहिनी कलाई पर धातु का कड़ा और बाई और रोमन अंकों वाली क्लासिक घड़ी पहनी थी क्या वह एक है श्रीनिवासन ने अपनी भारी आवाज और दक्षिण भारतीय लहजे में पूछा वीरभद्र ने तेलुगु में जवाब दिया ऑनो सर और इसे तुरंत ठीक कर दिया मेरा मतलब है हां सर तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं उसे पूछताछ कक्ष में ले जाओ पहरेदारों ने वीरभद्र का पीछा किया और बंदी को खींचकर उसके चारों ओर अपना स्थान धारण कर लिया उन्होंने एल आकार के गलियारे में प्रवेश किया डॉक्टर श्रीनिवासन सीधे आगे बढ़े और वीरभद्र उनके पीछे पीछे चल दिए मार्ग बाई और एक सादे दीवार और दाई और कुछ दरवाजों के बीच स्थित था जिसके आगे एक मृत छोर था जो बाई और तेज था वे दीवार के अंतिम छोर पर पहुंच गए और उनकी रखवाली दो लोग कर रहे थे वीरभद्र अभी भी इस बात से अनजान था कि इस आदमी से किस बारे में पूछताछ की जा रही है जिस कमरे में उन्होंने प्रवेश किया वह लगभग 12 फीट ऊंचा था और बाकी गुंबद के समान ही पौष और आरामदायक सजावट में बनाया गया था स्टेनलेस स्टील से तैयार की गई एक कुर्सी जिस पर एक फुटरेस्ट चिपका हुआ था लोहे की छड़े उसके पीछे की ओर काम करती थी एक काले चमड़े की सीट और हथकड़ी आर्मरेस्ट में एकीकृत होती थी कमरे का एकमात्र फर्नीचर हुआ करता था यह एक प्रयोगशाला थी या ऐसा लगता था कुर्सी के चारों ओर कई पॉलिश की गई लकड़ी की मेजे थी प्रत्येक टेबल पर एक कंप्यूटर स्क्रीन थी इस सुविधा में छत से लटका एक प्रोजेक्टर भी था और प्रोजेक्टर के सामने की दीवार पर एक सफेद स्क्रीन लगी हुई थी बंदी बीच में बैठ जाता था और पूछताछ करता उसे संक्षिप्त कर देता था किसी भी प्रकार से या किसी भी प्रकार से उत्तरों की खोज करता था उपलब्ध प्रावधानों का उपयोग करते हुए गार्ड ओ ने उस व्यक्ति को खींचा उसे बीच की सीट पर धकेल दिया और बांध दिया चमड़े की बेल्ट का उपयोग करके उनकी कमर सिर और पैरों को कुर्सी से बांध दिया गया था उसकी उंगलियां अब उसके शरीर का एकमात्र चलने योग्य अंग रह गई थी इस बीच वीरभद्र चुपचाप बैठे कैमरों का अवलोकन कर रहे थे वह समझ सकता था कि न केवल बंदी बल्कि कमरे में मौजूद हर किसी को भी देखा जा रहा था सुबह के लगभग 11 बज रहे थे जब आदमी को धीरे धीरे होश आने लगा उसकी आंखें अभी भी बंद थी लेकिन वह महसूस कर सकता था कि कोई गीले ऊतकों का उपयोग करके उसके चेहरे पर सफेद पेंट को साफ कर रहा था उसने किसी को उसके बारे में बात करते हुए सुना बातचीत एक अघोरी के रूप में उनकी पहचान के बारे में थी वह बहुत अजीब लग रहा है यह किस तरह का अप्रिय रूप है एक लड़की चिल्लाई मैं जानता हूं कि वह कौन है आत्मविश्वास से भरे पुरुष ने जवाब दिया इस अजीब को पेश करने से पहले सबसे पहले आप कौन है लड़की ने पूछा अभिलाष उस आदमी ने तुरंत जवाब दिया और तुम उसे कैसे जानते हो लड़की ने पूछा मैं उसे नहीं जानता या वह कौन है मुझे पता है कि वह क्या है वह एक अघोरी है अघोरी लड़की ने आश्चर्य से पूछा मानो उसने यह शब्द पहली बार सुना हो अघोरी यह शब्द अपने आप में रीढ़ की हड्डी में सहरन पैदा करने के लिए काफी है भारत और नेपाल की हर बस्ती में अघोरियों के बारे में कहानियां प्रचलित है ऐसा कहा जाता है कि उनके पास प्रकृति पर असीमित शक्तियां हैं वे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं वस्तुओं को साकार कर सकते हैं मानव मांस और मल खा सकते हैं और अत्यधिक अशुद्धता में रह सकते हैं कभी कभी पूरी तरह से नग्न हो सकते हैं अघोरी तो पवित्र और अशुद्ध के बीच भी किसी भी द्वैत को मिटाने और मन की अद्वैत स्थिति को प्राप्त करने की लालसा में लाशों के साथ संभोग करने जैसी घृणित प्रथाओं में लिप्त रहते हैं वे जुनूनी रूप से कुरूप पतित में लिप्त रहते हैं और अपनी आत्म खोज की प्रक्रिया में सामाजिक वर्जनाओं में वे शराब पीते हैं ड्रग्स लेते हैं और मांस खाते हैं कुछ भी वर्जित नहीं माना जाता है लेकिन जो बात उनकी प्राचीन परंपराओं को विचित्र बनाती है वह यह है कि उनके मंदिर शमशान भूमि है उनके वस्त्र मृतकों से आते हैं जलाओं लकड़ी चिताओं से और भोजन नदी से आता है जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो वे मृतकों की राख में खुद को ढकते हैं और मृतकों का ध्यान करते हैं अघोरी मानव खोपड़ी से बने कटोरे से भीख मांगकर जीवित रहते हैं फिर भी अघोरी जीवन का सबसे चौंकाने वाला पहलू उनका नरभक्षण बना हुआ है लाशें जिन्हें या तो नदी जैसे गंगा से खींचा जा सकता है या श्मशान घाटों से प्राप्त किया जा सकता है को खुली लौ पर कच्चा और पकाया जाता है क्योंकि अघोरियों का मानना है कि जिसे अन्य लोग मृत व्यक्ति मानते हैं वह वास्तव में प्राकृतिक पदार्थ के अलावा और कुछ नहीं है जिसमें उसमें निहित जीवन शक्ति नहीं है इसलिए जहां आम लोगों के लिए नरभक्षण को आदिम बर्बर और अशुद्ध के रूप में देखा जा सकता है वही अघोरियों के लिए यह साधन सम्पन्न होने के साथ साथ इस तरह की वर्जनाओं पर रखी गई आम रूढ़ियों को इस तरह की आध्यात्मिक समझ में बदलना है कि वास्तव में कुछ भी ईश्वर से अपवित्र या अलग नहीं है जिसे सभी में माना जाता है वास्तव में अघोरी इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित होता है कई अघोरियों को आप उत्तरी भारत की सड़कों पर खोपरी के प्याले लेकर घूमते हुए देख सकते हैं वे अपने बालों को काटने की आवश्यकता के बारे में परवाह किए बिना उन्हें बड़ी लंबाई तक बढ़ने देते हैं वे भय और पूर्वाग्रहों पर विजय प्राप्त करने और अद्वैत की परम स्थिति को प्राप्त करने के लिए शरीर का उपयोग करने के शुद्ध भेदभाव रहित मार्ग का अनुसरण करते हैं अब सदियों से वे अपनी डरावनी और रहस्यमय जीवन शैली से दुनिया भर के लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं अघोरियों के इतिहास का पता लगाते हुए आप पा सकते हैं कि अघोरियों की नींव रखने वाले पहले अघोरी भावी अघोरियों का जीवन किनाराम था शहरी किंवदंती के अनुसार वह 150 वर्ष तक जीवित रहे और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उनकी मृत्यु हो गई अघोरियों का मानना है कि शिव परम और सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है उनके अनुसार इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वह शिव के कारण होता है स्त्री देवताओं में काली उनके लिए सबसे पवित्र रूप है बातचीत में एक और आवाज ने हस्तक्षेप किया इस बार आवाज उस आदमी के बहुत करीब थी डॉक्टर बत्रा भी बातचीत में शामिल हो रहे थे और उन्होंने कहा अघोरियों का दावा है कि उनके पास आज की सबसे घातक बीमारियों यहां तक कि एड्स और कैंसर का भी इलाज है ये औषधियां जिन्हें वे मानव तेल कहते हैं किसी मृत शरीर के अंतिम संस्कार के बाद जलती चिता से एकत्र की जाती है यद्यपि इनका विज्ञान के आधार पर परीक्षण नहीं किया गया है लेकिन घोरियों के अनुसार ये अत्यधिक प्रभावी होते हैं बंदी महसूस कर सकता था कि डॉक्टर बत्रा अघोरियों पर अपने ज्ञान का प्रकाश डालते हुए उसके हाथ में सिरिंज का इंजेक्शन लगा रहे हैं बर्फ से ढके पहाड़ों और गर्म रेगिस्तानों से लेकर बाघों से प्रभावित जंगलों तक अघोरियों को ऐसी जगहों पर रहने के लिए जाना जाता है जहां कोई अन्य इंसान जीवित रहने के लिए नहीं जाना जाता है अभिलाष ने इसे और आगे बढ़ाया अघोरियों के लिए कुछ भी अशुद्ध बुरा या गंदा नहीं होता उनके अनुसार यदि आप सबसे विकृत कृत्यों को करते हुए भी ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं तो आप भगवान के साथ एकजुट हो जाते हैं इससे अधिकांश आबादी में से हिम्मत निकल जाएगी कब्रिस्तान में लाश पर बैठकर ध्यान करना अघोरियों का मानना है कि हर कोई अघोरी पैदा होता है एक नवजात बच्चा अपने मल गंदगी और खिलौनों के बीच अंतर नहीं करता है और हर चीज के साथ खेलता है यह उनके बीच भेद तभी करना शुरू करता है जब उसके माता पिता और समाज उसे ऐसा करने के लिए कहते हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और चुनाव करता है भौतिकवादी आधार पर केवल तभी वह अघोरी के गुणों को खो देता है उनका मानना है कि शवों के बीच में सेक्स करने से अलौकिक शक्तियों का जन्म होता है महिला सहयोगियों को मृतकों की राख में भी लपेटा जाता है और यौन क्रिया होती है जबकि ढोल बजाया जाता है और मंत्रों का जाप किया जाता है वे यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी महिला को उनके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर न किया जाए और यह भी कि महिलाओं को मासिक धर्म हो रहा है अब जब आप वाराणसी जैसे शहर में नरभक्षण करते हैं जहां मांसाहारी भोजन करने पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है तो आप जानते हैं कि आप खुद पर परेशानी लाते हैं लेकिन हैरानी की बात है कि सार्वजनिक रूप से मानव मांस खाने के बाद भी उनके खिलाफ कोई विशेष कार्रवाई नहीं की जाती ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे मरे हुए मानव मांस को खाते हैं और उन्हें खाने के लिए किसी को नहीं मारते हैं शुद्ध अघोरी कभी भी प्यारे दयालु दयालु और दयालु होते हैं और जब भी आप उन्हें खोजते हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते हैं नमा शिवाय का जाप करते हैं शब्द उस आदमी के कानों में गूंजा और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली ओशन ऑफ डॉट कॉम